आखी को ये घर का लाइटिंग पसंद आया है और ये घर का भी लाइटिंग पसंद आया है। और आखी का घर कहाँ पर है? वो रहा आखी का घर। ओ आखी को ऐसा ही लाइट चाहिए, क्रिसमस का डेकोरेशन, क्रिसमस का लाइटिंग। दिमापुर में दिसंबर का 1 तारीख हो गया आज। पायल पायल। हम लोग एज ए कपल हम लोग 5 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। हाय एवरीवन। आज हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं दोनों दुजने दुजने हम लोग दोनों एक साथ घूमने जा रहे हैं। और किसी को नहीं लेंगे, बोलो तो। और कोई नहीं जाएगा, सिर्फ आखिर बाबा जाएगा ना। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। माँ का देखो इतना पेपर है, कैसे जाएगी ना, इतना काम है। आखी और बाबा कब से रेडी होके बैठे हुए, वो लोग थोड़ा बाहर घूमी घूमी करके आएंगे ऐसे ही। अभी तो बहुत ऑलमोस्ट 8 बजने को है, सो दे विल जस्ट गो आउट अ लिटिल बिट, क्योंकि आखी सारा दिन घर में ही थी इसलिए। तो आखी और बाबा ने ऑलमोस्ट सेम कलर के कपड़े पहने हुए एंड दे आर गोइंग आउट, और मुझे नहीं लेके जाएंगे ना, अमा के नहीं बना ना। किचन में बैठ के काम कर रही हूँ। रुको ये लेके जाओ, सोचा था वो नहीं करूँगी बिल्कुल, क्या बोलते हैं, एडिटिंग तब व्लॉगिंग नहीं करूँगी, सुबह से टाइम ही नहीं मिला, इतना सब इसी में डूब के बैठी हुई हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे ख़त्म करना ही है, वो टारगेट लेके बैठी हुई हूँ। सो लेकिन फिर सोचा थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ वो हो जाएगा, छोटा मोटा व्लॉग अगर आ जाए तो। सो इसीलिए तो ये लोग जा रहे हैं, आप लोग भी जाओ इनके साथ। चलो। वाह कितना सुंदर टोपी तुम्हारा। कथा जाच्छो? हैं देखो सकते। एरम। की? क्या हो गया? ओ तो आशी इतना हो गई आशी इतना हो गई। क्यों हो गई? पूरी। चलो। कुत्ता है? मेरे को। मेरे कुत्ते अच्छा ठीक है। बता दो आखी। इसमें तो लाइट जलाए। लाइट? कहाँ पर लाइट है? मानोज। मानोज। हमारे कुंडा के गोष्ट पक्षे में तो मर रागे। क्यों लगो? तो हमार तो रागे दोनों चुकी नहीं। की लगे? एक वो। আমার তো ঘরে একটা রাগ হবে, আমাদের ঘরে একটা লাস্ট হয়ে যাবে, এগুলো লাস্ট হয়ে আমাদের ঘরে তারপর এটা এগুলো রাগাবো। তাই আখি কো ইয়ে ঘর কা লাইটিং পছন্দ আয়া হে আর ইয়ে ঘর কা ভি লাইটিং পছন্দ আয়া হে। আর আখি কা ঘর কাহা পর হে? ও রাহা আখি কা ঘর। ও আখি কো এসা হি লাইট চাহিয়ে, क्रिसमस का डेकोरेशन, क्रिसमस का लाइटिंग। दिमापुर में दिसंबर का 1 तारीख हो गया आज। तुम्हारा घर को था है? तुम्हारा घर को था है? आखिर दिखा रही आखिर का घर यहाँ पर है। तुम्हारा लिफ्ट दिखा दो, ये रहा आखिर का लिफ्ट, ये हम लोग का पार्किंग लॉट, यहाँ पर सारी गाड़ी का पार्किंग होती है। आखे आखे नो नो মাদের কবে দিবা সৎসঙ্গ দিলে? নষ্ট হয়ে যাবে তো বলছি না। 1 2 3 ডিসেম্বর ঢুকে গেছে, ডিসেম্বর হয়ে গেছে, বলো
জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ আপন মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর। तो हम लोग का डिनर हो गया है, आखी का भी सबसे पहले डिनर हो गया है। आखी ने अभी पानी पी लिया है, अभी आखी सोने जाएगी। आखी को फुल मेकओवर होगा, फुल चेंज हो जाएगा, नाइट ड्रेस में आ जाएगी, वो नाइट ड्रेस पहन के सो जाएगी ना कि। और माँ क्या कर रही है? ये माँ बहुत बिजी है पेपर चेकिंग लेके, लोग अभी सोने जाते हैं। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग लाइफ लाइफ विथ विथ पायल पायल। चलो बाय बाय, गुड नाइट। Night, night, good night. Good night. Sweet dreams. Sweet dreams. Daddy's work is complete for the day. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आखी यहाँ पर सो गई है, तो एक बार जाके देख लेते कि माँ भी अभी मतलब पायल क्या कर रही है, क्योंकि वो भी फुल डे बिजी थी पेपर वर्क्स, और क्योंकि उसको जल्दी ख़त्म करना, क्योंकि जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। तो हियर शी इज बिजी विद पेपर वर्क्स, तो शायद आज बिना सो के ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सारा और ये सब कंप्लीट करने के बाद आई गो फॉर स्लीपिंग। अभी 11 बज रहे हैं, 11:10 बज चुके हैं, और आई होप एटलीस्ट बाय 1 आई एम एबल टू वाइंड अप और ये सब कुछ खत्म कर लूं, तो मेरा और 2 बंडल रह जाएगा। तो मैं जब तक ये खत्म नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। हमेशा अगर मैं बैठी भी रहूँ तो हमेशा सो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर सो रही हूँ तो लगता है कितना सारा पेपर बाकी है अभी भी। So I just want to get done with this as fast as possible. और मैं किसी का हेल्प नहीं हूँ, मैं सब कुछ खुद करती हूँ। I don't take anybody's help. तो आज बाबा ड्यूटी कर रहे हैं, आखिर अभी सो गई है, और पता है इतनी मुझे मतलब बहुत जल्दी मुझे खत्म सब कुछ करना है, क्योंकि 4 दिसंबर को ना कुछ है, क्या है 4 दिसंबर को हमारे शादी की मैरिज एनिवर्सरी हो जाएगा अभी। मतलब हम लोग एज ए कपल हम लोग 5 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, एज ए फैमिली 5 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और कुछ ऐसा कुछ सेलिब्रेशन वैसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जो भी है एटलीस्ट दैट डे आई वांट टू बी फ्री। और अगर कुछ रह भी गया है ना, थोड़ा रह जाए, बहुत सारा रह गया तो मैं तो फ्री में तो वो टेंशन फ्री हो ही नहीं पाऊंगी। सो उससे पहले सब कुछ आई वांट टू गेट डन विद दिस। सो फेज 1 आई हैव अ कपल ऑफ मोर डेज, 2 बंडल्स और बाकी है, देखते कहाँ तक कर पाती हूँ। सो या दैट्स ऑल आई गेस फॉर टुनाइट फॉर दिस ब्लॉग, एंड वी विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद पायल। गुड नाइट, गुड नाइट।